पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पंजाब मंत्रिमंडल में कुर्सियों का बंटवारा होते ही ये इस्तीफा दे दिया गया। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हरियाणा के परिवहन व खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जी, उनका रिएक्शन लेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे पंडित जी? कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, ये कुर्सियों की पार्टी है, विभागों की पार्टी है और परिवारवाद की पार्टी है। और हमेशा इनका जो कुर्सी पे होता है कोई विभाग के बंटवारे, जब इनके आपस में होता है और विभाग के कारण ही आपस में इनका किसी विभाग नहीं मिला, मंत्रिमंडल देश प्रति नहीं है, कोई प्रदेश भी इनके प्रति नहीं है। प्रदेश के प्रति जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, प्रदेश के अध्यक्ष हो, सब कुछ चाहिए। नवजोत सिद्धू के कारण ही पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी गई पहले, फिर नए चीफ मिनिस्टर बने चरणजीत सिंह चन्नी और अब वो खुद इस्तीफा दे गए। इस राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी टिप्पणी क्या है? आपका तजर्बा बहुत है राजनीति में। नहीं, कैप्टन साहब राष्ट्रवादी आदमी है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, वो जानते हैं कि राष्ट्र के प्रति ठीक है पार्टी में होना, ठीक है किसी में, पर राष्ट्र के प्रति होना, समर्पित होना बड़ी बात है। और कैप्टन साहब तो सबके सोचते थे भाई हर पार्टी भाई देश के प्रति क्या होना चाहिए, देश का भाव क्या होना चाहिए। पर जो कांग्रेस जो पार्टी है पंजाब में वो तो कुर्सियों का बंटवारा है। पंडित जी, जिस प्रकार से अब सूचनाएं आ रही हैं कि अमित शाह जी से मिल सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, बीजेपी में मतलब आने के संकेत मिल रहे हैं, अभी ऑथेंटिक नहीं है? ठीक है, मिल सकते हैं, राष्ट्रवादी आदमी हैं और राष्ट्र के प्रति वो समर्पित हैं, देश के प्रति सोच रखते हैं। और जिस तरह से पंजाब पाकिस्तान से सटा हुआ है तो देश के प्रति तो सोचने की बड़ी बात है, लंबा तजर्बा है। शर्मा जी, जिस प्रकार से चुनाव सिर पर हैं और जो घमासान पंजाब में मचा है, कांग्रेस में मचा है विशेषकर, उसका लाभ तो किसी ना किसी राजनीतिक दल को मिलेगा, बीजेपी कैसे कैश करेगी इसको? नहीं, बीजेपी को हमें कैश करेंगे, लोग पते हैं कि लोगों को जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जो देश के प्रति समर्पित है और जो 135 लोग करोड़ के जिसके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और सीमा सुरक्षित है, देश सुरक्षित है और सब लोग इसमें सुरक्षित हैं। इसलिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग इसलिए पसंद करते हैं, ये देश की समर्पित पार्टी है, एक आवाज़ है, एक देश की आवाज़ है, 135 करोड़ लोगों की आवाज़ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देंगे, इसे भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करेंगे। नवजोत सिद्धू तो बीजेपी में भी रहे हैं, बीजेपी से भी उनका चोली दामन का साथ रहा है, बहुत कसीदे पढ़ते रहे हैं, बीजेपी भी ऐसे ही छोड़ गए थे वो। नवजोत सिद्धू के बारे में अपना उसका फैसला है, कहाँ फैसला कर दे, कहाँ चले जाओ, कहाँ बैठ जाओ, कहाँ चले जाओ, तो बड़े आदमी। क्या ये नवजोत सिद्धू का कोई नया दबाव की राजनीति का तुरप का पत्ता देख रहे हैं आप? अब तो दबाव रहा ही नहीं, दबाव क्या है, दबाव ही खत्म हो गया पंजाब का, अब तो दबाव रहा ही नहीं। तो ये हैं मूलचंद शर्मा, हरियाणा के परिवहन व खनन मंत्री, जिन्होंने अपना रिएक्शन दिया नवजोत सिद्धू के इस्तीफे पर। फिलहाल आगे घटनाक्रम क्या होगा इस पर सबकी नज़र बनी हुई है, हम भी उस पर नज़र बनाए हुए हैं, घटनाक्रम पर क्या रहेगा, क्योंकि नवजोत सिद्धू के इस्तीफे से निसंदेह कई ज्वलंत प्रश्न खड़े होते हैं जिनका जवाब केवल आने वाले समय में ही मिलेगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।